हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अविना निटिंग। आज आपके लिए देखिए, मैं दो कलर में बहुत ही प्यारा सा पैटर्न लेकर आई हूँ और आप इसे किसी भी प्रोजेक्ट में अप्लाई कर सकते हैं। लेडीज कार्डिगन, जेंट स्वेटर, किड स्वेटर, स्टॉल में, शॉल में, बच्चों के पजामे में, हैट में, किसी में भी अप्लाई करें। बहुत ही प्यारा और सुंदर सा पैटर्न है और ये बहुत ही आसान है इसको बनाना। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम इसको बनाना सीख लेते हैं। सब्सक्राइब करें अवीना नीटिंग को और बराबर में बेल आइकन का बटन है उसे ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुंचे। इसको बनाने के लिए चलिए इसके फंदों का हिसाब लगाएंगे। तो चार के मल्टीपल में हमने फंदे लेने हैं और दो फंदे हमें यहाँ पर एक्स्ट्रा रखने हैं। तो आप किसी भी प्रोजेक्ट में से अप्लाई करें, चार के मल्टीपल में फंदे डालें और दो फंदे एक्स्ट्रा रखें, तो आपका ये पैटर्न बिल्कुल फिट आएगा। चार सिलाई का हमारा ये पैटर्न है। तो चलिए फ्रेंड, इसको बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, मैंने चार के मल्टीपल में फंदे लिए और दो फंदे एक्स्ट्रा रखे, तो टोटल हमारे 18 फंदे हैं। और फ्रेंड्स, ये पैटर्न हमारा रॉन्ग साइड से स्टार्ट होता है। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हम पैटर्न को स्टार्ट करेंगे। तो दो फंदे हम इसी कलर से बुन लेते हैं, फर्स्ट कलर से अपने। अब इसके बाद हम यहाँ पर एक कलर और ऐड करेंगे। तो देखिए, दूसरा कलर लेकर आएंगे और इससे देखिए, यहाँ से देखिएगा, दो फंदे बुनेंगे सेकंड कलर से। दो फंदे फर्स्ट कलर से बुनेंगे, देखिए दो फंदे हम सेकंड कलर से बुनेंगे, दो फंदे फर्स्ट कलर से। इसी तरह से हम दो दो फंदे करते हुए इस सिलाई को कंप्लीट करेंगे। तो देखिए, सिलाई यहीं पर कंप्लीट हो गई है। आ जाते हैं सीधी साइड में। अब देखिए फ्रेंड्स, क्या करना है। अब ये जो ग्रीन वाले फंदे नज़र आ रहे हैं हमें, इन्हें हम सीधी साइड में ही उल्टा बुनेंगे। देखिए, धागा पीछे ले जाएंगे, ब्लैक वाले फंदों को हम, सॉरी, हमने उल्टे बुने हैं फंदे, ब्लैक वाले फंदों को हम सीधा बुनेंगे। अब धागा आगे लाएंगे, ग्रीन वाले फंदों को उल्टा बुन लेंगे। ये दो फंदे हमारे उल्टे रहेंगे, ब्लैक वाले फंदे हम सीधे बुनेंगे, ग्रीन फंदे उल्टे बुनेंगे। तो इस तरह से हमें दो फंदे सीधे और दो फंदे उल्टे बुन लेने हैं। ये देखिए, बहुत ही सिंपल और आसान सा पैटर्न है और बहुत अच्छा लगता है ये। ये देखिए, ग्रीन फंदे उल्टे। हमने सिलाई कंप्लीट हो गई, यहीं पे आ जाते हैं सीधी सिलाई में, वो सॉरी, उल्टी सिलाई में। तो अब देखिए क्या करेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पर अब ये ग्रीन वाले फंदे ब्लैक हो जाएंगे। तो ये दो फंदे ब्लैक, अब जो ब्लैक वाले फंदे हैं वो हम ग्रीन बुनेंगे। इस तरह से हम कलर को यहाँ चेंज कर देंगे, रहेंगे वही दो दो फंदे हमारे, लेकिन हमने ग्रीन पर ब्लैक कर दिए हैं और ब्लैक पर ग्रीन फंदे बुने हैं। देखिए, सिलाई कंप्लीट हो गई। यहाँ पर आ जाते हैं सीधी सिलाई में। अब फिर से वही ब्लैक फंदे हम सीधे बुन लेते हैं, ग्रीन फंदों को हम यहाँ पर उल्टा ही बुनेंगे। तो ये बात याद रखिएगा फ्रेंड्स, हमारे ग्रीन फंदे सीधी साइड से उल्टे ही बुने जाएंगे और ब्लैक फंदे हमारे सीधे बुने जाएंगे। तो ये दो फंदे ब्लैक सीधे, दो फंदे ग्रीन उल्टे, दो फंदे ब्लैक सीधे। इसी तरह तरीके से हमें पूरी सिलाई कंप्लीट करनी है। दो सिलाई का हमारा पैटर्न है और चार सिलाई में ही कंप्लीट हो जाता है। देखिए,
तो यहाँ पर देखिए हमारा पैटर्न कंप्लीट हो गया, इस तरीके से बन जाता है। अब मैं थोड़ा सा बुनकर आपको फिर दिखाती हूँ ये। तो यहाँ पर देखिए मैंने थोड़ा सा और बुन लिया है ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। तो देखिए कितना प्यारा और सुंदर सा बनकर आता है पैटर्न, और आप इसे किसी भी कलर में बना सकते हैं। देखिए जैसे मैंने यहाँ पर बनाया है, तो आप इसे किसी भी प्रोजेक्ट में अप्लाई करें। बहुत ही प्यारा और सुंदर सा पैटर्न है और बनाने में बहुत आसान है। तो कैसा लगा आपको मेरा डिज़ाइन? अगर पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करें, कमेंट्स करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आऊँगी फिर से एक नया पैटर्न लेकर आपके खिदमत में। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।